हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुंज बिहारी। आप सभी को मेरे चैनल इलेक्ट्रिकल में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो पे मैं आपको बताऊंगा कि जो जो आर्थ पिन है वो इन दोनों पिन से थोड़ा लंबा और थोड़ा मोटा क्यों है। दोस्तों, इनका तीन रीज़न है। एक एक रीज़न को मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। वीडियो को एंड तक देखते रहिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला रीज़न ये है, इन दोनों पिन से थोड़ा लंबा क्यों है। देखिए दोस्तों, ये तो मान लो ये हमारा सब बोर्ड हुआ, इलेक्ट्रिक बोर्ड। जब हम इस 3 पिन ब्लॉक को इस 5 पिन सर्किट के अंदर इंसर्ट करते हैं, तो देखिए ये जो मेरा आर्थ पिन है, ये लंबा होने के कारण पहले इंसर्ट हो रहा है। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, ये पहले इंसर्ट हो रहा है। फिर उसके बाद जो हमारा फेज और न्यूट्रल पिन है वो बाद में इंसर्ट हो रहा है। देखिए दोस्तों, मेरा आर्थ पिन पहले इंसर्ट हो रहा है और बाद में फेज और न्यूट्रल इंसर्ट हो रहे हैं। अगर आप इस 3 पिन प्लग के थ्रू कोई भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट चला रहे हो, तो सबसे पहले इसको आर्थ का कनेक्शन मिल जा रहा है। यानी कि अगर उसके उसके इक्विपमेंट के बॉडी के अंदर कोई भी लीकेज करंट फ्लो हो रहा हो, तो उसको उसको पहले एक पाथ मिल जाएगा जो लीकेज करंट है इसको फ्लो करने के लिए, ताकि जब आप इस बॉडी को टच करते हो तो आपको करंट नहीं लगता। फिर एक बात और नोटिस कीजिए दोस्तों, अगर हमने इस प्लग को इसके अंदर इंसर्ट कर दिया, जब हम इसको बाहर निकालेंगे तो ये देखिए दोस्तों, तो सबसे पहले मेरा ये जो पावर पिन है, फेज और न्यूट्रल, वो पहले निकल रहा है और बाद में और बाद में भी जो 8 पिन लंबा होने के कारण बाद में बाहर आ रहा है। यानी कि ये जो 8 पिन है वो एंडिंग एंडिंग तक भी ये सर्किट के अंदर रह रहा है। यानी कि जब हम इस प्लग के थ्रू कोई भी इक्विपमेंट चला रहे हो, तो हम प्रॉपर सेफ्टी के साथ इसको यूज कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ उसका दूसरा रीज़न, ये जो आर्थ पिन है वो इन दोनों पिन से थोड़ा मोटा क्यों है। दोस्तों, इसको मोटा इसलिए किया गया है ताकि ये जो आर्थ पिन है, ये सॉकेट के आर्थ पिन के सिवाय किसी अदर और की पिन में इंसर्ट ना हो सके। दोस्तों, मान लो अगर ये पतला होता तो आसानी से फेज और न्यूट्रल में घुस जाता। अगर आप गलती से भी जो आर्थ पिन को फेज में इंसर्ट कर देते प्लग के थ्रू, कोई भी इक्विपमेंट चला रहे हो और इस इक्विपमेंट को डायरेक्टली फेज मिल जाता, तो अगर आप इस इक्विपमेंट को गलती से भी टच कर देते तो आपको करंट लग सकता है और आपकी जान भी जा सकती है। तो इसलिए ये जो 8 पिन को इसलिए मोटा किया गया है, ताकि ये जो 8 पिन के सिवाय किसी अदर पिन में इंसर्ट ना हो सके। मैं आपको बस तीसरा रीजन बताता हूँ, ये जो 8 पिन है वो इन दोनों पिन से थोड़ा मोटा क्यों है। दोस्तों, ये जो रूल रीजन है वो लो रेजिस्टेंस है। ये जो रूल क्या कहता है, आर इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए, यानी कि जो ये जो आर है वो रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर है, रेजिस्टेंस। और ये जो एल है, ये लेंथ ऑफ द कंडक्टर लेंथ। और जो ये जो ए है, ये है क्रॉस सेक्शनल एरिया एरिया। यानी कि हम स्पीड लिख सकते हैं, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a। यानी कि जो एरिया हमारा इंक्रीज होगा कंडक्टर की, तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। यानी कि इसकी वजह से ये जो 8 पिन है वो इसका जो एरिया है वो इंक्रीज किया गया है। यानी कि इसको मोटा इसलिए किया गया ताकि इसका रेजिस्टेंस जो है कम हो सके। इसकी वजह से जो अगर बॉडी में कोई लीकेज करंट फ्लो हो रहा हो, तो उसको एक लो रेजिस्टेंस पाथ मिल जाएगा इस 8 पिन के जरिए, जिसकी वजह से जो लीकेज करंट है वो आसानी से ग्राउंड हो सके, जिसकी वजह से जो इक्विपमेंट है हमारा सेफ रह सके। तो ये रहा 3 रीजन्स। मैं आपको फिर से समझा दे रहा हूँ 3 रीजन्स। तो सबसे पहले इसको लंबा इसलिए किया गया है ताकि ये पहले ग्राउंड हो सके और बाद में जब हम पावर सप्लाई निकालते हैं, तब भी ये जो एंड के वक्त ये भी ग्राउंड हो सके। यानी कि जो कोई भी इक्विपमेंट और मशीन इसके साथ हम चला रहे हैं, तो इसको पहले ग्राउंड मिल सके और आखिरी वक्त भी, और उससे ग्राउंड का कनेक्शन मिल सके, ताकि जो इक्विपमेंट हम चला रहे हैं वो सेफ रह सके। दूसरा रीजन, इसको मोटा इसलिए किया गया है ताकि ये 8 पिन के सिवाय किसी अदर पिन में इंसर्ट ना हो सके। और दूसरा रीजन है, जब हमारा क्रॉसेक्शनल एरिया इंक्रीज होगा इस 8 पिन का, जो रेजिस्टेंस हमारा डिक्रीज होगा। यानी कि अगर इक्विपमेंट के बॉडी में कोई भी लीकेज करंट फ्लो हो रहा हो, तो सबसे पहले इसको लो रेजिस्टेंस पाथ मिल जाएगा करंट को ग्राउंड होने के लिए। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके नीचे जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें, अपने सारी इलेक्ट्रिकल दोस्त के साथ शेयर करें। दोस्तों, और कोई न्यू न्यू व्यूअर्स हैं तो मैं उनको बोल रहा हूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का वो कुछ मज़ा ले सकें और इस वीडियो में कुछ भी जान सकें।
तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।